ठीक है, कोई बात नहीं। चलो पहला क्वेश्चन क्या था बोलो। 2 × 3 × 5 टू इंटू थ्री इंटू फाइव ये तो मैंने सॉल्व कर दिया था ना। अच्छा सर, ऐसा टाइप का किया टू है, ये सारे क्वेश्चन आपने खुद से बनाने बोले। 3 5 हाँ बोलो। 3 4 6 थ्री फोर सिक्स हाँ बोलो। अब तो 20 20 टर्म्स है ना, तो मैं थोड़े बहुत हर क्वेश्चन में हिंट तो लिख ही देता हूं। इसमें जो टर्म एनथ आया होगा तुम्हारा, दैट विल बी n+1, n+2, n+1, n+2 इंटू n+4 फोर। इंटू n+4, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आपका टीएन निकल गया। टीएन कितना है बताओ, एन क्यूब प्लस 2 7n² प्लस 2 6 8 7n 14n 2 10 14n प्लस प्लस 8 8 ये टीएन आ गया होगा। आपको s20 निकालना था, तो आपने क्या किया होगा, टीएन एन इज इक्वल टू 1 से 20। आपका आंसर आंसर कितना आया होगा, समेशन एन क्यूब प्लस, किसी को भी डाउट है ना पूछ लो, ठीक है। 14n+8 आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1 से 20, कितना आंसर आ गया, फाइनल आंसर कितना है बताओ। 6 7 2 9 0 सिक्स सेवन 7 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 6 7 2 9 0 दीपी हाँ बोलो बोलो। n+3 2 9 0 2 9 0 हाँ बोलो। सर वहाँ n+3 आएगा ना, कहाँ पे, यहाँ पे n+2 n+3। नहीं ना, तुम n इज इक्वल तुम कैसे निकालते हो nth टर्म। मैं तो ऐसे निकालता हूं कि इसका पहले nth टर्म निकाल लिए, इसका nth टर्म कितना आ रहा है, 2 है 3 है ना, तो 2 3 का nth टर्म क्या होगा, 2 + n-1 × 1 कितना आ गया, n+1 आ गया, ठीक है। अब इससे एक ज्यादा है, इससे एक ज्यादा है, तो मिडिल वाला क्या हो जाएगा, n+2, और इससे 3 ज्यादा है, इससे 3 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, n+1 + 3 n+4। तुम अगर n+3 बोल रहे हो, n=1 डाल के देखो ना आंसर मैच, n=1 डालो, मेरा टर्म वन आ रहा है क्या बताओ। तो नहीं नहीं आ रहा ना, ठीक है। क्लियर है क्या। सर, सर लिखना हाँ लिखो लिखो। और दीपिका है क्या क्लास में आज। यस सर। बेटा आप स्कूल के एग्जाम के लिए आपने रेजिडेंस की क्लास नहीं छोड़ सकते हो, ये बात ध्यान रखो। उस दिन आप इसलिए आप लोगों को बच्चों से मिलवाता रहता हूँ, इतना जितने ही बच्चे मिले हैं आप सबसे पूछो ना। स्कूल के एग्जाम्स ऑफलाइन में मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलता था, ऑनलाइन में तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना बेटा, रेजिडेंस पे कंसंट्रेट करो ना स्कूल के। हाँ आपको क्या सर, लगता है जो, हाँ सर बोलो, मतलब बस थोड़ा सा वो रिवीजन बहुत बाकी रह गया था, तो फिर छोड़ रिवीजन दो, कर नहीं अरे सर, छोड़ दो रेजोनेंस के पेपर। लेक्चर भी देख रही थी बीच बीच में, पूरा नहीं कंटिन्यू नहीं स्कूल का नहीं पढ़ा। नहीं नहीं समझा, कितने लेक्चर छोड़े आपने रेजिडेंस के बताइए, मैथ्स से कितने लेक्चर छोड़ दिया आपने। सर शायद 2 छोड़े सर, बाद में देखा पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर। आप समझे नहीं बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट टाइम से ट्राई करिए, मत करिए ऐसा, ठीक है। उस दिन हाँ आया सर। था संकेत ब्रदर भी आया था, उसने भी यही कहा, उसकी भी यही गलती थी, 11th में स्कूल में बहुत कंसंट्रेट कर दिया था फालतू का, मतलब नहीं बनता 11th के मार्क्स का। अभी तो वैसे ऑनलाइन है, कोई पेपर में कुछ कुछ नहीं कर सकता है कोई भी, नथिंग एनीबडी कैन डू, दे कांट इवन, मतलब आप 11th में ना एग्जाम भी छोड़ दो ना, स्कूल वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, जस्ट ट्रस्ट मी एट दिस मोमेंट। गोल्डन चांस मिला है, इसको यूज करते हैं ना पढ़ाई करके यार, हाँ सर। काहे की फालतू की, काहे की फालतू की स्कूल की अपन प्रॉब्लम में फंसे रहे हैं, मौका मिला है पढ़ लो उसको।
सेकंड वाला एक बार सॉल्व करो ना. हाँ बस आठों करूंगा. कॉपी कर लिए रब करूं. सेकंड क्वेश्चन देखो, जब तक तुम टर्म एनएथ नहीं निकाल पाओगे तब तक कोई फायदा नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड टर्म एनएथ फर्स्ट. नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है. बोलो सेकंड क्वेश्चन बोलो क्या था. Tn equals n plus 2 by 2 raised to n. Tn is equals to n plus 2. हाँ by 2n, 2 raised to n. हाँ बोलो क्या निकालना है. S infinity. S infinity, ठीक है. S infinity क्या होगा बताओ. T1 plus T2 plus T3 up till चलते रहेगा, यही होगा ना बेटा S infinity. डाल दो वैल्यू, डालो n को, n को 1 डालो, बताओ क्या बनेगा. 3 by 2. n को 2 डालो क्या बनेगा. 4 by 2 square. n को 3 डालो क्या बनेगा. कृति अभी ऑब्जर्व कर पा रही है क्या लिखा है. हाँ, क्या है ये बताओ. क्या हो गया तेरा नेट काम नहीं कर रहा आज. क्या लिखा है बता. एजीपी लिखा है ना. एजीपी. हाँ तो देखो क्या होता है ना, कई बार टर्म एन ऐसे रहता है ना, नहीं चमकता है, ठीक है. तो क्या किया करो, टर्म एन से ना 5-6 टर्म सीरीज के लिख लिया करो, तो यू विल बी हैविंग अ मच क्लियरर आइडिया What the question is about. ये बात समझ में आती है क्या. हाँ सर. आगे सॉल्व करूं बेटा, कर लेगी सॉल्व. पूरा सॉल्व करके देखती हूँ. क्या आवाज नहीं आ रही. अभी जो तूने सेम दो क्वेश्चन सॉल्व किया है ना ऊपर, तेरे आंसर आया था ना 6 और 4. हाँ सर. तो वही तो क्वेश्चन है ना एजीपी वाला, है कि नहीं. Yes, sir. तेरा नेट गिर रहा है, चेक कर. चल ठीक है, रब करें इसको. हाँ सर. बेटा रब करें इसको. चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ. फाइव इंटू नाइन प्लस 7 × 11 इसका आंसर बताओ तो. टीएन क्या आया सर. टीएन आया 4n² प्लस 14n प्लस 6n प्लस 21. अच्छा सर. अरे बाप रे सर. स्टेप बाय स्टेप बताऊं. हाँ सर. ये दो एपी है, 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 7. 2n plus 3 वाला सिस्टम है और दूसरा वाला 2n plus 7 है. किसी को ये देखो, किसी भी क्वेश्चन का पहला स्टेप है. सबको क्लियर है क्या. फर्स्ट स्टेप बताना है, वापस बता दूंगा. क्लियर है सबको. नहीं क्लियर है. यस सर क्लियर है. 5, 7, 9 इसका nth टर्म चाहिए है ना. तो क्या होगा, 5 plus n minus 1 into 2 क्या होगा, 2n plus 3. बोलो भाई. हाँ या ना. यस सर. Yes, और इसमें कितना जोड़ना है, प्लस 4. कितना जोड़ना है, प्लस 4. तो 2n प्लस 7 चमकता है. तो अभी tn क्या बन गया, 4n² प्लस 14 और 20n प्लस 21. तो s 15 कितना होगा. आंसर बताओ कितना है. 5515. क्लियर है क्या भाई सभी को. हेलो. हाँ सर. हाँ सर. हेलो हेलो. मुझे अलग आंसर आया. तुम्हारा एनेट टर्म मैच किया है. हाँ सर. सेम एनेट टर्म है मेरा. अरे बाबा, तो फिर तुम कैलकुलेशन कराओगी मेरे से. 15 × 16 × 21 / 6
प्लस 20 इंटू मैं करूंगा नहीं, वैसे ध्यान रखना बस इतना ही यहाँ तक लिखूंगा, फिर तुम कैलकुलेटर यूज कर लो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, एन एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कितना होता है 20 इंटू 21 बाई 2 प्लस, शायद तुमने 21 का समेशन नहीं लगाया होगा, तो मैंने 31 लिखा, आपने 21 लिखा है, 31 सर मैंने भी 31 लिखा है, 4 इंटू वो जो है उसमें आपने 21 लिखा है, 2n प्लस 1 होता है, हाँ ये गलत है सर, सेकंड वाला टर्म भी 15 इंटू 16 होगा ना, क्या कर सकता हूँ देख लो इसके आगे मैं क्या करूंगा, ठीक है चलो सेकेंड थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन रब कर रहा हूँ मैं बेटा, ठीक है रब कर दू ना, चलो नेक्स्ट थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन बोलो क्या था, 6 × 7 × 8 प्लस 7 × 8 × 9 प्लस अप टू 20 टर्म्स ठीक है, सो नाउ व्हाट टू डू, 6 × 6 = 6, 6 × 7 है ना, एन एट टर्म निकाल लो इसका, 6, 7, 8 आएगा अगला है ना, क्या आ रहा है 6 + n − 1 इंटू, समझना पड़ेगा ठीक है, कितना आ रहा है n + 5. अब ये कॉमन सुनो ये कॉमन सेंस से भी दिखना चाहिए, अरे पहले टर्म में 6 है दूसरे टर्म में 7 है, इसका मतलब n + 5 है ना, ये खुद से दिखना चाहिए ठीक है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा इसका n + 5 होगा है ना, फिर एक बढ़ जाएगा n + 6 होगा, फिर क्या होगा n + 7 अरे हाँ या ना ठीक है, अभी मल्टीप्लाई, अच्छा बताओ तुम लोगों को सबको फास्ट मल्टीप्लाई करने आता है ना, कभी भी नहीं आता है, कभी भी वैसे ही करते हो 10 की तरह, क्या मल्टीप्लाई करना नहीं फास्ट मल्टीप्लाई, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, फास्ट में क्या होता है अपन वही थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज करते थे ना, कि n³ तो n³ आ गया, n² के साथ क्या आएगा, दो दो का मल्टीप्लीकेशन, 5 × 30 = 46 जोड़ लो और फिर तुम्हारा 6 जोड़ के बताओ कितना आता है, ऐसे ही फिर n का कोएफिशिएंट ढूंढते हैं, n का कोएफिशिएंट किससे आएगा 5 + 6 मैंने गलत बोला, यहाँ पे 5 + 6 + 7 आएगा, यहाँ पर 5 + 6 + 7 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 5 × 6 + 6 × 7 + 5 × 7 n और यहाँ पे आएगा 5, 6, 7 तो कितना आया वैल्यू बताओ, n³ + 5 × 1 = 5, 6 × 11 = 18, 20 = 30, 42 = 37, 30 = 72, 35 = 107, + 5 × 30 = 210 टी एन है ना, तो आपका s² कितना आ गया फाइनली बताओ, फाइनल आंसर हाँ ऑब्वियसली 1 2 2 4 3 0 सर 1 2 2 4 3 0 सही है क्या बेटा, हाँ सर, सर प्लीज थोड़ा सा साइड हो सकते हैं, तो मेरा इसका भी फाइनल आंसर रॉन्ग आया, एनेट का मैच किया है तेरा सर, मैच कर रहा है, तो तेरे कैलकुलेशन चेक कर, एनेट टर्म के बाद तो कैलकुलेशन है ना बेटा, तो तुम्हारी मतलब गलती हो सकती है, चेक करना पड़ेगा, मैं सुना आपको कॉपी कर लिया सभी लोगों ने, चलिए जी फोर्थ हो गया ठीक है, मेरे को फिफ्थ बताओ, फिफ्थ का बताओ,
वन स्क्वायर और क्वेश्चन क्या था वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर टू स्क्वायर तो आपका टीएन कितना आएगा बेटा वन स्क्वायर टू स्क्वायर अप टिल एन स्क्वायर है ना तो टीएन कितना आ गया एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स कितनी आ गई वैल्यू टू एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस एन बाई सिक्स है ना अभी अपने को क्या निकालने का है एस ट्वेंटी निकालने का तो अपन क्या करते हैं टी एन एन इज इक्वल टू वन से एन इज इक्वल ट्वेंटी कितना आंसर आया फाइनल बताओ 16170 ठीक है नेक्स्ट कॉपी नेक्स्ट बोलो कॉपी करो इसको अरे हो गया ना कॉपी नेक्स्ट बोलो कौन सा सिक्स क्वेश्चन सिक्स बोलो बेटा क्या है क्वेश्चन tn इज इक्वल टू हां बेटा tn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन 3 का पावर n फाइंड s वापस से भाई क्वेश्चन s इनफिनिटी क्या होगा बताओ t1 t2 बताओ तो कीर्ति क्या है क्वेश्चन वापस से ये T1 कितना आ रहा है कीर्ति T/3 5/3 क्यूब कौन सी सीरीज बताइए AGP कैसे करते हैं बताइए पहले कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके माइनस करेंगे बस खत्म शाबाश नेक्स्ट बोलो सेवेंथ क्वेश्चन बोलो एस इज इक्वल टू वन प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर अप टू इंफिनिटी वापस से भाई है ना कितना आंसर कितना है बताओ सीधा वन प्लस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर वन प्लस टू एक्स सिर्फ 2x के नीचे 1 माइनस x का होल स्क्वायर यस
क्या सब लोग का ये आंसर आया क्या? नहीं सर, मेरा नहीं आया। ठीक है, और भाई किसी का आंसर आया क्या ये? नहीं सर, सर 1/x ही आया बस, x स्क्वायर नहीं आया। सर ऊपर 1+x आया मेरा। 1+x/1 हां सर, ऊपर 1+x/1 x + 1/1 - x का होल स्क्वायर आ रहा है। जा मैं करता हूं। After this, क्या आंसर आया है? सर मेरा 1/1 - x + 2x² / 1+x × 1 - x² ये आ रहा है मेरा आंसर। हाँ सर, मैंने सेकंड लास्ट स्टेप पे छोड़ दिया। सेम आया है, यही आया सर। हो गया सर। एट्थ क्वेश्चन बताओ, एट्थ वाला मैंने अच्छा दिया शायद, बताओ एट्थ क्या था? s = 1+3x + 7x² हाँ ये अच्छा दिया था। 13x³ +25x^4 हाँ भाई बताओ, इसमें इसमें किसको कुछ चमता कुछ क्या क्या करना है? दो बार करना पड़ेगा, जैसे हम एजीपी के लिए एक बार करते थे ना, वैसे दो बार करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपको जीपी का प्रूफ याद है? मैंने जीपी के प्रूफ में बताया आपको, आपको सिस्टम जीपी में दिख रहा है, आप आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करो और सॉल्व करते रहो, ये ट्रिक होती है। ठीक है, आपको जीपी में बता दिया गया, आपको एजीपी में बता दिया गया, आपको बस ये ध्यान रखना है कि सिस्टम में जीपी दिख रहा है क्या मुझे, अगर जीपी दिख रहा है तो मैं कर दूंगा ऐसे। थोड़ा सा लेक्चर को पेशेंटली सुना करो। आपको यहां पर कोई एजीपी नहीं दिख रही थी, मैं आपकी बात से एग्री हूं, अभी आपको एजीपी दिख रही है क्या? हाँ सर। है ना, अभी आपको एजीपी दिख रही है ना, तो अगर हम इसको अगर S1 मान ले नया सम, हमें क्या करना पड़ेगा? XS1 है ना, XS1 क्या हो जाएगा बताओ? बस लिखने के लिए मैं लिख रहा हूं into S into X1, इसको बाद में लिख लेंगे बाद में, ठीक है, इसको भूल जाते हैं। ये S1 है, क्या होगा वापस से X से मल्टीप्लाई हुआ, क्या होगा X 2X² 4X³। अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलोगे भाई, है ना? हाँ सर, बताओ 1+x + 2X² बोलो 2X³ है ना, 2X⁴। चमक रहा है क्या? हाँ सर। तो क्या आ गया बताओ? 1+x + 2 बाहर आ गया, x² / 1 - x, ये चमकता है क्या? यस सर। ठीक है, अब यहां पर आप देखो S1 मैंने इसको माना है ना,
अगर मैं कॉमन सेंस से देखूं तो इतना कॉमन सेंस है कि नहीं मुझे कि x से ही मल्टीप्लाई किया गया, बोलो है कि नहीं कॉमन सेंस, है ना? तो जब माइनस किया मैंने तो क्या लिखा है, एस वन इंटू वन माइनस एक्स लिखा है ना, और एस वन क्या है मेरा, वन माइनस एक्स इंटू एस, वन माइनस एक्स इंटू एस इंटू वन माइनस एक्स, चमकता है तो एस क्या लिखा है बताओ, वन बाई वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स का होल क्यूब। कॉपी करो समझते हुए, कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए चेक करो कहीं मिस्टेक करी है क्या मैंने। सर इसमें हमने जो फर्स्ट टाइम में वो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके माइनस किया ना, इसमें तो वो लेकिन एजीपी में नहीं था। मैंने इसी तो बोला था, जैसे मैंने जीपी का जब प्रूफ किया था तो भी मैंने सेम मेथड से किया, जब मैंने एजीपी का किया तो भी मैंने सेम मेथड से किया। तो मैं वही तो बता रहा हूँ तुमको कि अब हमको जब भी किसी सीरीज में टर्म्स जो है ना अगर जीपी में दिखेंगे, भले ही पहले वाले टर्म्स एपी में रहें या नहीं रहें, अगर जीपी में दिखते हैं तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके माइनस करके देखना चाहिए कुछ हो रहा है क्या। ठीक है हो गया कॉपी। सबका कॉपी हो गया है क्या? हाँ सर। हाँ एक सेकंड बेटा रुक जाओ, मैं रख कर रहा हूँ, सबका कॉपी हो गया है ना? हाँ सर। यस हाँ सर। सॉल्व करो।
आंसर निकालो। कोई चीज रट नहीं सकते हैं, थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है।
अरे भाई सिंपल सिंपल चीज बताओ, क्वेश्चन बन रहा है कि मैं सारे सॉल्व करके बैठ जाऊं? बताओ सर, बन रहा है? हो रहा है सर, हो रहा है। ठीक है तो बनाओ फिर उत्तर लिखा सर। सर हाँ बोलो 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 बोलो। फर्स्ट में x इज बिटवीन माइनस वन एंड वन ना? हाँ 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 हाँ, जब इन्फिनिटी दिया रहता है ना तो मान लिया करो, उतना नहीं सोचते। ओके ठीक है, ओके चल करो। सर वीडियो
यार बहुत ज्यादा होमवर्क तुम लोग का पेंडिंग हो गया यार। थोड़े साइड में हट सकते हैं सर। बोलो। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन क्लास रखने वाले थे ना? चल संडे को रख देता हूँ। ठीक है सर। किसका रिवीजन क्लास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सर, सबके लिए। मैं तो पढ़ाऊंगा बोर्ड पे, जिसको आना है आ जाएगा। संडे को रख देंगे, सुबह 10:30 बजे रख देते हैं। बोलो क्या दिक्कत है क्या? सर केमिस्ट्री का 8-10 है। केमिस्ट्री का संडे को लेक्चर कब से लगने लगा? क्या संडे तो छुट्टी रहती थी ना तुम लोग की, एक्स्ट्रा लग रही है क्या? सर फिजिक्स का भी है। हाँ सर। तो कितने लेक्चर लग रहे हैं वीक में आप लोगों के फिजिक्स केमिस्ट्री के? भगवान जाने। भगवान कहाँ से आ गया अभी? पहले से। कितने लेक्चर कितने लग रहे हैं फिजिक्स लेक्चर्स? तीन तीन ही रहते हैं सर। तो संडे भी कह रही है, संडे मिला के तीन है, संडे मिला के चार हो गया रे। सर फिजिक्स का सर ने एक्स्ट्रा रखा है। अच्छा ठीक है। और केमिस्ट्री का भी 3+1 है कि 3 ही वाला है? तीन ही है सर शायद। किसी के पास ना टाइम टेबल वाला कुछ है नहीं क्या? कुछ मोबाइल होगा ना हाथ में, देखो ना यार मोबाइल में सर टाइम टेबल है। केमिस्ट्री का 3 संडे का मिला के 3 है ना? हाँ सर। तो तुम लोग क्या वीक में तुम लोग का वीक में खाली रहता है? संडे को मिला के 4 है सर, 3 है। वाह वाह भाई वाह, ताली बजाओ तुम सब यार। मतलब एक टाइम टेबल देखने में तुम लोग को एक सेम टाइम टेबल दो लोग अलग अलग देख रहे हैं, क्या सर, बात है यार। सर हाँ बोलो सर, इस हफ्ते में केमिस्ट्री का संडे को मिला के 3 है। ठीक है ओके। और फिजिक्स का संडे को मिला के 3 है। ओके तो इसका मतलब बेटा आप लोग वीक में हर दिन खाली रह रहे हो, तो फिर तुम लोग होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो बे? तो तुम लोग मंडे से, अगर तुम्हारा संडे को तुम्हारे वीक में लेक्चर कितने लग रहे हैं? 3, 3, 6, 3, 9 लेक्चर्स। संडे को 2 चले गए, बचे 7 लेक्चर्स। तो 6 दिन में तुम्हारा 2 या 3 दिन लेक्चर, 3 या 4 दिन लेक्चर लग रहा होगा।
हाँ यार होमवर्क करो भाई, होमवर्क करो, ठीक है? संडे को संडे लगा रखा है क्या? फिर कैसे करें क्वालिटी का रिवीजन? सेकंड वाला सम करके बताओ ना। सेकंड वाला सम देख, हिंट दूंगा, सॉल्व सुन, क्या कर, 2/3 वाला जो है ना, 2/3 वाले है ना, उसको अलग कर ले, और 3/3 स्क्वायर 3/3 क्यूब 6 वाले है ना, उसको अलग लिख ले, समझी? दो अलग अलग सीरीज में चेंज कर दे, एक 2 वाले जो है ना, 2 वाले चमक रहा है, इसकी अलग सीरीज बना ले, ठीक है? और ये जो है ना 3 वाला, इसको अलग से सम निकाल ले, चमक रहा है? हेलो नीली, क्लियर है क्या? हाँ सर। 2 वाला एक साथ कर लो, 3 वाला अलग कर लो, ठीक है? यही स्मार्टनेस दिखानी है। तो अपन रिवीजन किस दिन करेंगे यार? संडे खाली रहता है एक। कल ये टाइम पे रख लो, कल तो ऑनलाइन लेक्चर होगा ना, कल है क्लास। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक में देखता हूँ फिर। तो फोर्थ वाला बताओ ना। मैंने कोई चश्मा खोल दिया था मैंने। फोर्थ वाला एबीसीडी जीपी में है ना बेटा, तो ले लेना। ए को ए ले ले, बी को ए आर ले ले, सी को ए आर स्क्वायर ले ले, डी को ए आर क्यूब ले ले और डाल दे इसमें। ओके सर। अरे विनीत, विनीत, हेलो विनीत। यस सर। सुनना, एक काम करते ना, नेक्स्ट संडे को ना किसी को एक्स्ट्रा मत रखने देना, ठीक है? नेक्स्ट संडे को किसी को एक्स्ट्रा मत रखने देना। नेक्स्ट संडे को मैं ले लेता हूँ 4-5 घंटे का रिवीजन क्लास क्वाड्रेटिक का, ठीक है? इस वीक में ना विनीत, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा होमवर्क खत्म कर ले अच्छे से, ठीक है? ओके सर, चलेगा। चार पांच घंटा? हाँ तो क्वाड्रेटिक के रिवीजन लग ही जाएगा ना 4-5 घंटा, उससे कम में क्या करूंगा मैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा खुद से पढ़ लीजिए, इस वीक में रिवाइज कर लीजिए। मैं उस दिन संडे को ना, और ये काम मैं शुरू ही कर, मैं हर 3-4 संडे बाद में एक लंबी क्लास लेके संडे को मैं 2 टॉपिक का रिवीजन करा देता हूँ, क्वाड्रेटिक और FOM1 का, ठीक है? तो इससे क्या होगा, अपना रिवीजन भी हो जाएगा और अपने को फायदा भी हो जाएगा, ठीक है? इस वीक में सब लोग ट्रिगो का होमवर्क खत्म करें, ट्रिगो और सीक्वेंस सीरीज का होमवर्क। सर नेक्स्ट वीक के सेकंड क्लास को सारे होमवर्क का डिस्कशन है ना? नहीं कर पाएंगे उसमें सारा होमवर्क का डिस्कशन, ठीक है? पहले ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लेंगे और मैं सीक्वेंस सीरीज का भी होमवर्क आज बोलूंगा जो जितना, और सेकंड उसके लास्ट क्लास में विल ट्राई की डिस्कस कर लें उसको। लेकिन नेक्स्ट वीक के सेकंड क्लास में ये तो गारंटी है कि स्टेट बोर्ड का चैप्टर 1, 2, 3 तो मैं कर रहा हूँ। अब काफी टाइम दे दिया, 2 वीक हो गया यार, अब कर लेना चाहिए डिस्कस। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, पहले भी आपने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, वही क्वेश्चन बार बार मिलते हैं। रब करे क्या? नहीं रब क्या करना है भाई, तुमको सॉल्व करना है, सॉरी। कितना है पहले कांड से, कितना आया? 1/1 - x² + x / n I think yes, yeah, I'm just saying. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second का कितना है? अरे nine by eight. Third का 23/40. फोर्थ का
कर रहे हो, तो फोर्थ में आंसर क्या होगा, प्रूफ करना है। फोर्थ वाला अच्छे से प्रूफ नहीं हो रहा। अरे कुछ नहीं करना बेटा, हो एक गया और ये फोर्थ वाला प्रूफ। रुक जा भाई, रुक जा, वैसे एक और एक। हाँ ओपन कर दे, ओपन कर दे। कैंसिल भी हुआ सर, लेकिन फिर दो टर्म कैंसिल नहीं हुए। तो तूने कुछ गलती करी, कैलसिन चेक कर, कैलसिन चेक कर, हो जाएगा। थर्ड मेरा गलत आ रहा है। कौन सा? थर्ड का। थर्ड का आंसर कितना आ रहा है? थर्ड का 23/48 आ रहा है। हाँ सर, 48 आता है। 48 आएगा सर, 7 स्क्वायर नीचे आएगा, वो कैंसिल है, 1-1 कट जाएगा। जो है हाँ 23/48 है आंसर, 23/48 है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत सॉल्व की जाना। कौन सा? थर्ड का। एक मिनट, ठीक है, थर्ड वाले में सारे प्लस वाले एक साथ कर लो और सारे माइनस वाले एक साथ कर लो थर्ड वाले में। हाँ तो फिर उसके बाद सॉल्व करो, हो जाना चाहिए। मैं कट गया, कट ही नहीं सकता है, गलत है। 4/, यहाँ पे कॉमन रेशियो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1/7 है, इधर को फर्स्ट टर्म 1/7 स्क्वायर है, कैसे कट जाएगा? चेक कर कैलकुलेशन। हाँ फर्स्ट में कोई कुछ बोल रहा था, अरे एक बार सॉल्व करके दिखाओ ना। कौन सा? फर्स्ट में लास्ट में आंसर अलग है। क्या आंसर आया तेरा? तेरे आंसर में दो टर्म आया है सर, तीन टर्म आया है। तीन टर्म आया, कोई बात नहीं। तीनों टर्म का डिनोमिनेटर बताओ। 1-n2। एक टर्म हुआ, दूसरे टर्म का सर सेम, दूसरे टर्म का भी का 1-n3। हाँ अभी एलसीएम लो और सॉल्व करो, देखो आ जाएगा 1-n3। आज जो आया वही आ जाएगा, तुमने एलसीएम नहीं लिया इसलिए एलसीएम लो। और एन क्यों बोल रहे हो? एक्स है ना, एन क्यों बोल रहे हो? सॉरी सर, दोनों का एलसीएम ले, देखा जाएगा। दो बार तूने माइनस किया है ना, एक बार में तेरा काम हो गया है। तूने दो बार किया है कि तेरा एक बार में हो गया है? विनीत सर आंसर आता है 1 आता है। नहीं चमका, क्या बोला? आंसर 1 कैसे आ गया? अरे क्या बोल रहा है? मतलब वही आंसर आता है, मतलब जो मैंने बोर्ड पर लिखा है वो सही है ना? हाँ सर। अरे पार्थ चंडक, तुमने कहा था डाउट पूछोगे, हमने फिर चुप हो गए हो क्लास में। सर आ रहा है मुझे। ठीक है, तुम्हारे टाइटल की स्पेलिंग क्या है? CHANDOKE है कि AKE है? AKE। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था IIT बॉम्बे का, मुकुंद चांडक करके, 2005 में था IIT में, केमिकल में ही था, केमिकल ड्यूअल में, उसका भी टाइटल यही था। मैं सोचा तुम कहीं रिलेटेड तो नहीं हो उससे। ठीक है पढ़ाई करो। देखो मैं एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? तुम 10 बार पूछोगे मैं 10 बार हिंट दूंगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा बोर्ड पे एक भी। तुम 10 बार पूछो मैं 10 बार हिंट दूंगा, तुम पूछो बस, बोलो। सर लास्ट वाला प्रूव नहीं हो रहा। एबीसी एचपी में है ना, तो बी की वैल्यू कितनी होगी रे? सर 1/a+ हाँ सर 2ac/a+b। डालना इसमें कैसे रिप्रूव होगा? देख डालना इसके यहाँ पे डाल। सर आ गया थर्ड वाला। सर लास्ट वाला सीपी से भी कर सकते हैं ना? हाँ सीपी कैसे लगाएगा बोल। सर पहले वो एचपी में दिया है, फिर उसको एपी में चेंज करेंगे और ठीक है, फिर 1/b-1a=1/c-1/b। ओके फिर सॉल्व करेंगे, फिर हो जाएगा सीपी लगाकर। अरे कैसे? अगला स्टेप बताओ। द क्रॉस मल्टीप्लाई a-b/a=b-c/c। सही।
भाई आप जितनी बार डाउट पूछोगे मैं उतनी बार बताऊंगा, बट आई विल नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, सो प्लीज बी वेरी क्लियर कि आपको डाउट पूछना है। फोर्थ वाले का एक और बार बताना है। ए को, अबे देख ना बच्चा ये जीपी में है ना, ठीक है, तो जीपी का मतलब क्या होता है रे, ए को ए ले ले, ठीक है, और बी क्या हो जाएगा बोल, ए आर, सी क्या होगा रे, ए आर स्क्वायर, और डी क्या होगा रे, ए आर क्यूब, है ना, ये वैल्यूज को डाल के एलएचएस में और आरएचएस में दोनों साइड एक्सपेंड कर दे। सर एक्सपांड करने के बाद बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, सी स्क्वायर वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अभी तो बच्ची करे, हाँ हाँ बोलो, हो गया बढ़िया, बताइए फिफ्थ में हिंट क्या हो सकता, नहीं है, दिमाग लगाओ ना, दिमाग दिया गया है ना ऊपर से, दिमाग लगाओ, ए बी सी एच पी में है, इधर में सारे टर्म ए और सी में है, इधर में सी नहीं है, सी पैदा करो यहाँ पे, सी कैसे पैदा होगा, लॉजिक लगा ना, सी कैसे पैदा करेगी, कैसे सी पैदा करेगी, बी इज इक्वल टू तेरा एच पी में है ना, तेरा क्या होगा टू बाई बी इज इक्वल टू वन बाई ए प्लस वन बाई सी होगा ना, रिप्लेस कर बी की वैल्यू, करो 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 करो, होगा हो गया फिर वाला भी, किसी का नहीं हुआ है तो प्लीज टेल मी। सर फोर्थ वाले में बहुत खिचड़ी हो रहा है, वही कर रहा हूँ। कर कर कर, तेरा दिमाग में खिचड़ी है, क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन छह स्टेप का है, बस गिन के छह स्टेप का है, जो बोला पुट करने का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा के ओपन करने का, वैल्यू आके आर में छोड़ देने का, सेम चीज इधर करने का, खत्म बात, दिमाग लगाने का काम नहीं, ओपन कर वैल्यू बराबर प्रूफ कर, मैं वेट कर रहा हूं।
भाई सभी का हो गया है क्या? किसी को हेल्प चाहिए बोलो। हो गया सर। 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 किसी क्वेश्चन में हेल्प चाहिए? यू कैन आस्क मी, आई विल गिव यू द हेल्प, एल्स वी विल मूव फॉरवर्ड। रब करें। सीक्वेंस एंड सीरीज की थ्योरी खत्म हो गई है, बस समेशन का पार्ट बचा हुआ है। अच्छा ठीक है सर। समेशन के ना और अच्छे क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है? मैं कराने की मतलब थोड़ी सी मेरी वो हिम्मत नहीं उठ रही है, क्योंकि आप लोग शायद नहीं समझ पाओ, मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रहा हूँ बेस, ठीक है? अब एक और लगिए, बी इज ए बी सी क्वेश्चन, एक और है ए बी सी इन एचपी, प्रूव दैट 1/b-a + 1/b-c इज इक्वल टू 1/a + 1/c। Find SN if पहले क्वेश्चन लिखे answers कर। जब मैं एक साथ क्वेश्चन लेता हूँ बंच में ना, तो हमेशा क्वेश्चन लिखा करो। बोर्ड दिख रहा है ना सर? दिख रहा है। उस दिन संकेत बिरादर से बात करने के बाद ये बात समझ में आई ना, एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन अटेम्प्ट, ठीक है? चलो सॉल्व करो। क्या सर? क्या संकेत ने आपको उस दिन बताया था ना कि उसने फिजिक्स के पेपर 2 में 6 क्वेश्चन किए थे और पूरा सही किया था, है ना? एक्यूरेसी जो है ना, एक्यूरेसी वो मोर इम्पोर्टेंट है, सही होना ज्यादा जरूरी है, नहीं कि हम बहुत क्वेश्चन कर लें और सब गलत कर दें, ठीक है? तो सॉल्व करो, 4 क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्व करो। So, inserted के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे बता? Fourth question, inserted के बाद। ये वाला inserted? First line का। If two arithmetic means A1, A2 inserted, harmonic means G1, G2 inserted, geometric means G1, G2 inserted, harmonic means
एच वन एच टू इंसर्ट है, मतलब ए वन अपने लैंग्वेज में हिंदी में या जो भी लैंग्वेज आती है कि कोई दो नंबर है ए और बी, ठीक है, उसके बीच में दो अर्थमेटिक में इंसर्ट कर दिए ए वन ए टू, उन्हीं दो के बीच में दो ज्योमेट्रिक में इंसर्ट कर दिए जी वन जी टू, उन्हीं दो के बीच में दो हार्मोनिक में इंसर्ट कर दिए एच वन एच टू, ठीक है, क्या प्रूव करना है, जी वन इंटू जी टू बाई एच वन बाई एच टू इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू बाई एच वन प्लस एच टू। सर सॉल्व करो सर, एबीसी इन एचपी वो बस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ना। अरे हाँ सॉरी सॉरी, हाँ ऑब्वियसली यार। ओके अरे बन रहा है क्या, नहीं बन रहा? बन रहा है सर।
क्या भाई सब लोग सो गए क्या? अरे पहला बन गया है क्या सभी का? ईमानदारी से बताओ। और दूसरा बना क्या? दूसरा नीली बताओ बेटा, बना नीली आपका दूसरा? आप उस दिन बहुत परेशान हो गए थे। फर्स्ट नहीं बना मेरा। अरे कीर्ति एचपी में है ना, तो बी का वैल्यू कितना होगा? 2 by b = 1 by a। अभी तो डाटा था मैंने, किसको भी दूसरी को डाटा था ना, किसी को डाटा था मेरे, याद नहीं आ रहा है। 2ac by a + c की वैल्यू b है, और इस b को डाल दो ना यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले डाटा एक बच्चे को मैंने कि यहाँ पर a है, यहाँ पर c है, यहाँ पे bac है, तो कॉमन सेंस क्या कहता है अपना, b को गायब करने का है, b को गायब करने का है कि नहीं? फिर नीली दूसरा बना बेटा? ट्राई कर रही हूँ, नहीं बना अभी तो। ये सेम क्वेश्चन तुमने पहले पूछा था, मैंने आपको सॉल्व करके भेजा था। आप जब नहीं समझ में आता है ना टीएन, एक काम करो ना, t1 + t2 + t3, तो फिर देखो ना एक 3 का जीपी बन गया बेटा और एक 2 का जीपी बन गया। सारे 3 वाले को एक साथ कर लीजिए और 2 वाले को एक साथ कर लीजिए। देखिए ना 3 का जीपी और 2 का जीपी है +a - c। बोलिए दिखा बेटा आपको? नीली दिखा? हाँ सर दिख गया ना। तो आंसर कितना आएगा इसका? एक 3 का जीपी है तो 3 × 3 n - 1 / 3 - 1 और -2 × 2n - 1 / 2 - 1। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। पूछो पूछो डाउट पूछो। पहला बना कीर्ति? हाँ सर हो गया। तो अच्छा ये बताओ क्यों नहीं बना था, मेरी हेल्प क्यों लगी उस क्वेश्चन में बताओ तो? मुझे क्लिक नहीं हुआ वो बी को एलिमिनेट करना। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, सोचना अभी तो, अभी थोड़ी देर पहले डाटा ऐसी बात करे किसी बच्चे को था मैं, यहाँ पे और सी है, इधर को बी और बी है, अपन करेंगे ना ये काम तो है ना। अच्छा ये बताओ सुनो, स्टेट बोर्ड की बुक में सीक्वेंस एंड सीरीज से मैंने क्या होमवर्क दिया है? पूरा चैप्टर बोला है कि नहीं बोला है? पूरा चैप्टर। तो कल वो डिस्कस कर सकते हैं कि वो भी नहीं हुआ है अभी तक? कर सकते हैं सर। ठीक है कीर्ति, तेरा हुआ है नहीं हुआ है? कीर्ति हुआ है सर। चलो ठीक है फिर। और एनसीईआरटी क्या दिया था, सीक्वेंस सीरीज वाला पूरा चैप्टर दे दिया कि बचा हुआ है अभी तक कुछ मिसलेनियस वगैरह? पूरा चैप्टर दिया। ठीक है, कल स्टेट बोर्ड की बुक से और एनसीईआरटी की बुक से सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर पूरा पूरा डिस्कस करेंगे। कल तक कर लेंगे सब लोग डिस्कस की? आप लोग चाहते हैं कि कल की क्लास हटा के मैं संडे के शाम कर दूं? जैसा बोलो वैसा मैं कर दूंगा। ठीक है फिर, कल की शाम संडे शाम को शिफ्ट करता हूं मैं 6:30 से इसी स्लॉट में। लेकिन आपको होमवर्क क्लियर है ना? होमवर्क क्या है फिर? आप लोग काम चोरी मत करना, होमवर्क क्या है बताओ? परसों ईमानदारी से करके आओगे ना? ठीक है फिर। कल क्लास कितने बजे थी? फर्स्ट स्लॉट में थी कि सेकंड स्लॉट में थी? 6:30। कल तुम लोग एक ही क्लास थी? हाँ सर। ठीक है संडे ले लेते हैं, कल तुम लोग फ्री कर लो अपना। संडे को 6:30 से? हाँ संडे को 6:30 से। बट ये मत करना कल के शाम के स्लॉट को फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का होमवर्क करने बैठ जाना। मैथ्स का होमवर्क परसों खत्म होके आना चाहिए। अरे हुआ क्या पहला और दूसरा?
हाँ सर हो गया। हाँ सर। सर सैटरडे की क्लास है ना? कल ही सैटरडे है ना, कल सैटरडे नहीं है। सॉरी सर। कल ही है सैटरडे। मैं अगर सब लोग कहते हैं कि कल ही होमवर्क डिस्कस करते हैं, कल कर लेता हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि होमवर्क नहीं हुआ और नहीं कर पाओगे लग रहा है, तो परसों कर लूंगा डिस्कस। मुझे डिस्कशन करनी है। अब पढ़ा पढ़ा के हो गया, पर जब तक डिस्कस नहीं करूंगा आगे बढ़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि अब डीपीपी स्टार्ट करनी है सर। वीडियो हाँ हाँ, क्वेश्चंस कॉपी कर लो सारे, ठीक है। चलो फिर अपने संडे को शाम को मिलते हैं। और वन और टू हो गया है ना? यस सर। थ्री और फोर सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो, नहीं होता है संडे को मैं डिस्कस कर दूंगा, कुछ करना नहीं है। थर्ड में आपको मालूम है, दो बार पहले भी कर चुके हो, क्या करोगे? वही एचपी का क्या होता है, कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस डी, तो ए बी सी निकाल लोगे और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना? Yes. और फोर्थ वाले में ए और बी में दो अर्थमेटिक मीन, ए वन ए टू, तो ए वन ए टू की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? ए ए वन ए टू बी एपी में है, उससे ए वन ए टू आ जाएगा, एच वन एच टू आ जाएगा, जी वन जी टू आ जाएगा, इसमें डाल दोगे वैल्यू बराबर प्रूव हो जाएगी। अटेम्प्ट ईमानदारी से करके आओ, ठीक है? Yes. चलो ठीक है, फिर अपन संडे को मिलते हैं। हाय सर।